दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे, क्योंकि आप लोगों को पता होगा कोरोना काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है हमारे इंडिया में, और काफ़ी लोग ऐसे हैं जिनके पास वेटिंग टिकट अवेलेबल है, ई टिकट या फिर आई टिकट, और वो लोग ट्रेन में सफ़र करना चाहते हैं। आप लोगों को एक सवाल ज़रूर होगा, क्या हम लोग वेटिंग टिकट या फिर हम ट्रेन में सफ़र करेंगे या फिर नहीं करेंगे? तो आज के वीडियो में सारे क्वेश्चन का आंसर मिलने वाले हैं। लेकिन आगे बढ़ने से वाले भाई का भी नाम जान लीजिए। मेरा नाम है शैलेंद्र, आप देख रहे हैं टेक्निकल शैलेंद्र यूट्यूब चैनल। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं ई टिकट को लेकर। आपने ई टिकट वेटिंग टिकट बुक कर रखे हैं, तो सीधे ई टिकट आपका वेटिंग है। यदि ये टिकट कन्फर्म नहीं होता है तो आप लोग ट्रेन से सफ़र नहीं कर सकते। जो वेटिंग टिकट होगा, कैंसिलेशन चार्ज होगा, वो कट के आपके बैंक खाते में जिससे आप पेमेंट किए होंगे उसमें आपको रिफंड कर दिया जाएगा। यदि आपने काउंटर से वेटिंग टिकट बुक करवा रखे हैं, यदि आपका टिकट कंफर्म नहीं होता है, आप कंफर्म हो जाएंगे वेटिंग टिकट, तो आप बिल्कुल आसानी से ट्रेन में सफ़र कर सकते हैं। लेकिन अगर वेटिंग टिकट कंफर्म नहीं होता है तो क्या कर सकते हैं? रेलवे की तरफ से इसके लेकर कोई भी अभी फिलहाल में अपडेट नहीं आया है कि आप वेटिंग टिकट से सफ़र कर सकते हैं या फिर नहीं सफ़र कर सकते, क्योंकि कोरोना काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है। इसके लिए रेलवे ने काफ़ी सारे न्यू गाइडलाइंस जारी किया है। यदि आपके पास कन्फर्म टिकट है तभी आप रेलवे स्टेशन पर एंट्री मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। यहाँ पर मैंने कुछ लोगों से बात किया जो ट्रेन में सफ़र किया है, जिनके पास टिकट अवेलेबल नहीं था, यानी कि वेटिंग टिकट था जिसने आपने काउंटर से कटवा रखे थे, तो कुछ लोग यहाँ पे सफ़र कर रहे हैं। तो आप लोगों को सजेस्ट करूँगा, यदि आपको ज़्यादा इमरजेंसी है तो आप लोग यहाँ पे सफ़र कर सकते हैं। वो भी आपको काउंटर स्टेशन में जाने हैं और वहाँ से एक बार कंफर्म कर लेना है, क्योंकि आप रेलवे के हेल्पलाइन नंबर पर भी बात कर सकते हैं 139 पे। लेकिन क्या हो रहा है, हेल्पलाइन नंबर पर आप कॉल करते हैं तो आधी आधी घंटा आपको वेट करना होगा, फिर भी कॉल नहीं लगता है। तो काफ़ी हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करने के लिए, क्योंकि हेल्पलाइन नंबर पर कॉल नहीं लग पा रहा है। मैंने भी आज 22 मिनट तक लगातार कोशिश करते रह गया, लेकिन यहाँ पे हेल्पलाइन नंबर पे कॉल नहीं लग रहा है। काफ़ी सारे प्रॉब्लम है, या फिर आपके पास टाइम है 1 से 2 दिन, तो आप 2 से 3 बार ट्राई कर सकते हैं। रेलवे के हेल्पलाइन नंबर पे एक न एक बार लग ही जाएगा कॉल, और फिर इसके बाद वहाँ से आप कंफर्म कर सकते हैं, काउंटर वेटिंग टिकट से आप सफ़र कर सकते हैं या फिर नहीं कर सकते। क्योंकि रेलवे स्टेशन पर एंट्री करने के लिए सबसे पहले तो आपको कन्फर्म टिकट होना चाहिए, COVID-19 आपको चेक करा लेना है। यदि नेगेटिव है, नेगेटिव का रिपोर्ट है, वो आपको लेके जाना है, लीजिएगा तो सही रहेगा, नहीं तो आपको वहाँ पर भी थर्मल स्कैनिंग किया जाएगा। यदि टिकट के दौरान यदि आपने पॉजिटिव पाए जाते हैं, COVID-19 क्वारंटाइज भेज दिया जाएगा। तो इन सब बातों का ध्यान रखना है। तो बस आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आया लाइक करना, साथ ही साथ टेक्निकल शैलेंद्र चैनल को सब्सक्राइब करना। तो दोस्तों, मिलते किसी और नेक्स्ट वीडियो में।